वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में देखने के लिए तैयार हो जाइए। करण ने यहाँ पर बांट दी है अपनी प्रॉपर्टी और उसके साथ साथ शौर्य के नाम पर कर दी है नॉन प्रॉफिट कंपनीज, और वहीं दूसरी तरफ राजवीर के हाथों में लग चुकी है कुछ ऐसी प्रॉफिटेबल कंपनीज जिसके लिए अब यहाँ पर शौर्य लड़ते हुए नजर आएगा राजवीर से। आने वाले एपिसोड में अब अपने हाथों से शौर्य को जाते हुए देखकर निधि भी सबसे बड़ा फैसला लेने वाली है। अब आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ खास होगा, बहुत कुछ खास दिखाया जाएगा। चलिए सारी बातें हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर, क्या हुआ खास क्या नहीं। लेकिन इन सभी बातों को बताने से पहले आप सब जल्दी से एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हुए तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है कहानी में, जहां पर करण ने फैसला किया था पहले कि कुछ प्रॉफिटेबल कंपनी शौर्य को दे दी जाएंगी और राजवीर यहां पर पूरी तरह से काबिल है तो वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज को भी पूरी तरह से हैंडल कर लेगा। लेकिन अब आने वाले एपिसोड में शौर्य के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए करण नजर आ रहा है। करण का गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि वो शौर्य को अब अपनी जितने भी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज रहेंगी वो दे देगा और उसे बोलेगा कि आखिर में तुम अब मेहनत करो और इन कंपनीज को एक नए मुकाम पर ले जाओ। लेकिन शौर्य तो हमेशा उल्टा सोचते हुए नजर आएगा और उसके साथ साथ वो अब राजवीर से लड़ते हुए नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ शौर्य को समझाने वाली है निधि, और इस समझाने के तरीकों को देखकर काफी ज्यादा शौर्य परेशान हो जाएगा और बोलेगा कि एक यहां पर राजवीर की मासी ठीक थी, मुझे दूसरी राजवीर की मासी नहीं चाहिए। जिसके बाद में बात सुनकर काफी ज्यादा निधि भी हैरान होने वाली है। निधि हैरान हो जाएगी और उसके साथ साथ परेशान भी होगी, इसी वजह से वो अब यहाँ पर अंशुमन पांडे और उसके साथ साथ यहाँ पर वरुण का साथ लेने वाली है। वरुण और अंशुमन पांडे एक साथ में मिलकर एक बार फिर से लूथराज के ऊपर काफी ज्यादा बड़ा हमला करेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आखिर में क्या वो नया फैसला लेते हैं और कौन सा नया स्ट्रेटेजी बनाकर वो सामने आते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार निधि कामयाब होगी, क्या वो प्रीता को परेशान करने में कामयाब हो पाएगी? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर।